गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास ऑफ 10th क्लास वी डिस्कस अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। टुडे वी स्टडी अबाउट हाउ डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। वैसे तो उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ था, लेकिन अगर आपसे अलग से क्वेश्चन आ जाए हाउ टू यू अटेम्प्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर प्रश्न दिया हुआ है। How digestion of fat takes place in human body? जो फैट है उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो लीवर सेल होते हैं, लीवर होती है हमारा, जो ग्लैंड होती है, तो वो क्या करती है, बाइल जो स्क्रीट करती है, ठीक है। लीवर का काम क्या हो गया, जो लीवर सेल क्या करेगी, लीवर क्या करता है, स्क्रीट करता है किसको, बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है, क्या होता है उसमें, बाइल सॉल्ट, ठीक है। और जो बाइल सॉल्ट है इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, इसका क्या बताया मैंने आपको, ईएम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ बिग ड्रॉपलेट ऑफ द फैट इनटू द स्मॉल वन, ठीक है। मान लिया हमारे पास वसा की बड़ी सारी बूंद है, ठीक है, इसको क्या करेगा, जो बाइल सॉल्ट इसके ऊपर काम करेगा, इसको क्या करेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट में क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, जिससे क्या होता है, जो फैट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो फैट की ड्रॉपलेट है उसका सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। वो सरफेस एरिया की इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो लाइपेज एंजाइम है हमारा, कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, उसका वर्क क्या होता है, आसान होता है, तो वो उसको क्या करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, फैट को क्या करना, कन्वर्ट करना किसके अंदर, इमल्सिफाइड फैट के अंदर, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, इमल्सिफाइड फैट के अंदर। अब क्या होगा, इमल्सिफाइड फैट है ये, मान लिया हमारा क्या ये इमल्सिफाइड फैट है, ठीक है। इसके ऊपर कौन काम करता है, लिपेज एंजाइम, ठीक है, जो लिपेज एंजाइम क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ेगा, किसके अंदर तोड़ेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यह सब बोलते हो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल में क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या होता है, डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द लिपेज एंजाइम। अब जो ट्राइग्लिसराइड है उसके ऊपर दोबारा से भी क्या करेगा, लिपेज एंजाइम क्या करेगा, वर्क करेगा। ट्राई है, ट्राई का मतलब तीन, ग्लिसराइड उसके अंदर ग्लिसरॉल की तीन यूनिट है, अब उसमें से एक को क्या कर देगा, हटा देगा, कैसे हटाएगा, इसमें से क्या होगा, एक फैटी एसिड निकल जाएगा, जब इसका टेस्ट होगा एक फैटी एसिड निकल जाएगा प्लस डाइग्लिसराइड इसमें क्या होगा, बन जाएगा। अब जो डाइग्लिसराइड है उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम फिर काम करेगा, कौन काम करेगा, लाइपेज एंजाइम, उससे बनेगा मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, ठीक है। तो इस तरह से जो फैट है वो सिंपलेस्ट यूनिट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना क्या होता है, जरूरी क्या होता है, तो ताकि उसका हमारी बॉडी इजीली उसको अब्सॉर्ब या उसको यूज कर सके, ठीक है। वैसे 10th क्लास तक आपको यहां तक भी काम चल सकता है, यहां तक आपका स्टडी करने की वैसे इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्या बताओगे, लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर ने बाइल सॉल्ट छोड़ दिया, उसने इसको इमल्सिफाई कर दिया,
इमल्सिफाई करने बाद उसके बाद लाइपेज एंजाइम काम करेगा, उससे क्या इसकी दो यूनिट सिंपल यूनिट क्या है बन जाएगी। ठीक है, अब कई बार ये होता है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और ये जो लाइपेज एंजाइम कहां से आया है मैंने आपको बताया था रिमाइंड पैनक्रियाज से, कहां से आया ये पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज से आया। तो मैंने आपको तीन एंजाइम बताए थे लाइपेज अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज का वर्क होगा फैट के ऊपर, अमाइलेज का होता है स्टार्च के ऊपर, और ट्रिप्सिन होता है उसका होता है प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे हुआ इसका, इस तरह से हुआ, हुआ कहां पर है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहां पे हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया, अब इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन एक और है वो भी अभी देखते हैं। हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, How absorption of food takes place in human body? अब तक हमने ये पढ़ा था कि जो कोई भी फूड है हमारे अंदर वो डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा हमारी बॉडी के अंदर, ये भी क्या एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आंसर में क्या लिखेंगे इसका, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बता दिया जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है कंप्लीट होती है, पूरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो हमारा फूड है वो भी क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, होता कैसे है वो अभी देखेंगे। कहां पे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एट द इनर बोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन there are finger like projection या finger like structure, called as villi। क्या बोलते हैं इसको हम, villi बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी जो अंदर की वाल होती है उसमें क्या होता है उंगली तरह संरचनाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं villi बोलते हैं। ठीक है, और विलाई का क्या होता है माइक्रो विलाई भी होती है, इसमें क्या होता है माइक्रो विलाई। जो माइक्रो विलाई है इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया जो इनर वॉल है, ठीक है सुमन इंजेक्शन की, उस पर क्या होता है फिंगर लाइक क्या होती है आकृति होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेंगे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। अब होता क्या है इन द माइक्रोवेव इन द विलाई या द विलाई इज हाईली Vascularized by the blood vessels या blood capillaries बोल सकते हैं आप। blood capillaries के द्वारा अब विलाई के अंदर क्या होगी blood capillaries होगी। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, क्या होती है बहुत ही पतली। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो गया विलाई हो गया, विलाई के अंदर क्या है ब्लड वेसल्स है, क्या है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की बात क्या होती है
थिन होती है, तो जिसके अंदर से क्या होगा, द फूड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इंटेस्टाइन टू इनर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। छोटी आंत में से इनर उसके अंदर पार्ट में क्या वो चले जाते हैं, बाय द एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी बाय द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा से फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब मान लिया क्या है, जो मान लिया क्या है, ये कोई ब्लड वेसल मान लिया हमने, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर ये विलाई पोर्शन मान लिया, ठीक है, इसके अंदर से क्या है, ब्लड वेसल पास हो रही है, ठीक है, सिंपली मान लेते हैं। तो मान लिया क्या है, यहां से फूड कहां चलाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन से कहां चलाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड की, अदर थिंग्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से तो यहां से इसकी मूवमेंट क्या होगी, अदर पार्ट में होगी, क्योंकि यहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और यहां से कहां पर जाएगा, जहां पर उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो जो वाल होती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर जो फूड क्या है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है भाई, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू ब्लड, क्या होता है, वो डिफ्यूज होता है इसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो विलाई होती है किसमें होती है, इंटेस्टाइन की वाल के अंदर, ये क्या करती है, ये सिर्फ अमाइनो एसिड को और ग्लूकोज को, किसको, अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज, ये इसको बोलते हैं सिंपल शुगर, ठीक है, इन दोनों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है, जो विलाई होती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अमाइनो एसिड को और ग्लिसरॉल को क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है, विलाई की जो कैपिलरीज, विलाई की कैपिलरीज, ठीक है। लेकिन जो लीफ कैपिलरीज होती है, लीफ कैपिलरीज ऑफ द विलाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, मैंने ये बोला है, जो विलाई की जो कैपिलरी है वो तो इंसुलिन की वाल के अंदर होती है, वो तो सिर्फ अमाइनो एसिड को और ग्लूकोज को हेल्प ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है, लेकिन जो लीफ कैपिलरीज होती है विलाई के अंदर, ठीक है, विलाई कौन सी है, लीफ कैपिलरीज, वो क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, किसके, फैट के, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। ये चीज क्या है, अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है इसको, कीप इट इन माइंड। ये हो गया एब्जॉर्प्शन और सॉरी डाइजेशन हो गया कंप्लीट, कहां पे होता है वो पता लग गया हमें, एब्जॉर्प्शन भी कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमने न्यूट्रिशन किया सबसे पहले प्लांट्स के अंदर, फिर किया था एनिमल्स के अंदर, अब करते हैं प्रोटिस्ट के अंदर, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ न्यूट्रिशन
टेक्स प्लेस इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको अब हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अमीबा क्या है, प्रोटिस्ट है, इट इज ए होनोजोइक, होनोजोइक प्रोटिस्ट। क्या है, होनोजोइक प्रोटिस्ट, ठीक है। होनोजोइक क्या होते हैं, फर्स्ट सेक्शन में मैंने बताया था आपको, दोज ऑर्गेनिजम्स विच इनगल्फ द सॉलिड फूड मटेरियल्स इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज ए होनोजोइक। तो अमीबा होता है वो भी क्या, कैसा होता है नेचर के अंदर, होनोजोइक इन नेचर, मतलब इस प्रोसेस के द्वारा अमीबा अपना भोजन लेगा। तो ये क्या है, इट इज ए होनोजोइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो व्हेन अमीबा कम इन कॉन्टैक्ट, कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ फूड पार्टिकल, जब अमीबा क्या आता है, फूड पार्टिकल के संपर्क में आता है, ठीक है, इट्स स्प्रेड, इट्स स्प्रेड इट्स बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है, एंड फॉर्म द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है, जब भी अमीबा किसी फूड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, वो अपने बॉडी सरफेस को फैला लेगा, जिसमें क्या बनती है, ओवरी तरह संरचनाएं बनती है, और उस संरचना को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। बाय स्यूडोपोडिया इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, बाय फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, बाय फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, ठीक है। अब भोजन कहां चला गया, फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इन द फूड वैक्यूल, इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा देर आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसकी वैक्यूल के अंदर, दैट सो डाइजेशन, दैट सो डाइजेशन ऑफ द फूड, जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आफ्टर डाइजेशन फूड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म एंड वेस्ट इज रिलीज आउटसाइड फ्रॉम बॉडी सरफेस, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी सरफेस। ठीक है, एक बार इसको देख लो, मैंने ये बताया एक तो अभी बात क्या होता है, बेटा होलोजोइक होता है, प्रोटिस्ट है ये, तो अमीबा जब भी फूड के कॉन्टेक्ट में आता है तो इट्स बॉडी सरफेस को क्या करेगा, फैला लेगा, जिसमें क्या बनती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडो प्लस पोडिया, टू वर्ड्स से मिलकर बना है, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या है, फॉल्स मतलब नकली,
पोडिया मतलब फिट, इसके क्या होता है अपने फुट सरफेस से नकली पैर बनाता है, क्या बनाता है नकली पैर बनाएगा। उसके बाद फुटोपोडिया के अंदर क्या करेगा वो फुट को निकलेगा, प्रोसेस का नाम क्या है फैगोसाइटोसिस। फैगो होता है सोलिड को, सोलिड का साइटो मैंने सेल, सोलिड का सेल के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है, सोलिड का सेल के अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जब फैगोसाइटोसिस करता है तो इसे किसने ये क्या करता है कि फूड वैक्यूल बनाता है, क्या बनाएगा फूड वैक्यूल्स। और उस फूड वैक्यूल में क्या होता है एंजाइम होते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या आप इसको बोलते हो लाइसोजाइम या फिर लाइसोजाइम। ठीक है, जो इसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया उसकी फूड वैक्यूल के अंदर, उसके बाद फूड क्या हुआ डिफ्यूज हो जाएगा वहां पे साइटोप्लाज्म, और जो वेस्ट है वो उसकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आया हो तो मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो उससे आई थिंक इट शुड बी क्लियर। देखो अमिता की कोई शेप नहीं होती, एज यू विश यू कैन मेक। ठीक है, ये सब क्या है न्यूक्लियस मान लिया हमने, ये सिंपल क्या है साइटोप्लाज्म इसका। ठीक है, अब मान लिया क्या है यहां पर क्या है कोई भी फूड पार्टिकल पड़ा है, क्या ये कोई भी फूड पार्टिकल्स, ठीक है, जब अमीबा को ये पता लगेगा यहां पे फूड है तो ये क्या करेगा अपने बॉडी सरफेस को क्या करेगा फैला लेगा। अमीबा ने क्या किया इस फूड के चारों ओर इस बॉडी सरफेस को क्या कर लिया फैला लिया। ठीक है, जैसे ही फूड कॉन्टेक्ट में आएगा इस फैट से बॉडी सरफेस फॉर्म द ये बन गया यहां पे स्यूडोपोडिया, क्या बन गया ये स्यूडोपोडिया बन गया ना, फिंगर लाइक क्या स्ट्रक्चर है ना लाइक द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यह क्या करेगा फूड को एंगल करेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे अपने बॉडी सर्फेस को कवर कर लेगा, सॉरी फूड को कवर कर लेगा बाय द बॉडी सर्फेस। अब फूड क्या होगा बिल्कुल एक तरह से क्या होगा कवर होगा। ठीक है, जैसे फूड कवर हो जाएगा तो ये जो साइड है इसकी इसे क्या बनेगा फूड वैक्यूल बनेगा, क्या बनेगी फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल आ जाएगी इसके अंदर विद द सन। जब जब फूड वैक्यूल बनती है तो इसमें क्या होता है फूड प्लस सम वाटर, अमीबा के अंदर जब फूड वैक्यूल बनती है तो उसमें क्या होता है कुछ तो भोजन होता है उसका और क्या होता है उसमें कुछ लिक्विड या वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, जैसे क्या होगा ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या आएगा ये फूड वैक्यूल इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर क्या होते हैं अमीबा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड वैक्यूल में एंटर कर जाएंगे, कौन एंटर कर जाएगा लाइसोजाइम, और ये एंजाइम क्या करेंगे इसके फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। जो फूड है डाइजेस्ट हो गया तो वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म, कहां पे डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में। अब मान लिया कुछ फूड से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है सॉरी अनडाइजेस्टेड जो फूड है या जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा उसके बॉडी सरफेस से, और बॉडी सरफेस से क्या करता है उसको वो बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी अमीबा के अंदर डाइजेशन की। लाइक दिस सेम प्रोसेस होती है पैरामीशियम के अंदर, किसमें होती है पैरामीशियम में। पैरामीशियम भी क्या है हमारा एक प्रोटिस्ट है, तो जो पैरामीशियम है उसकी शेप एक तरह से क्या होती है स्लीपर लाइक होती है, कैसे होती है स्लीपर लाइक। ठीक है, ये इसमें क्या होता है माउथ पार्ट होता है। ठीक है, जो पैरामीशियम होता है उसकी खासियत होती है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं सीलिया होते हैं, ऑल ऑफ द बॉडी सीलिया, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं बालों की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया आगे पीछे दोनों साइड में क्या करते हैं मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पैरामीशियम
फूड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसके जो सीलिया है वो क्या करेंगे, उस फूड को स्वीप कर देंगे इनटू द माउथ। सीलिया के मूवमेंट से, सीलिया की मूवमेंट से जो फूड की क्या होगी, मूवमेंट होगी टुवर्ड द माउथ। ठीक है, जैसे ही माउथ में भोजन आ गया उसके बाद इसके अंदर भी क्या होती है, फूड वैक्यूल होती है। क्या होती है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में चला जाएगा फूड, तो फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे अमीबा के अंदर हुआ था सेम प्रोसेस आगे, जैसे अमीबा में क्या हुआ हुआ था तो सेम प्रोसेस से क्या होगा इसमें पैरालिसिस में होगा। उसके बाद फूड क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। कहां पर डिफ्यूज हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जो वेस्ट है वो भी क्या होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो क्या होगी हमारी, बिल्कुल फिनिश्ड हो गई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं विद ए न्यू टॉपिक। थैंक यू।